यार मुंबई इंडियंस ने लगातार अपना तीसरा मैच जीत लिया है और मैं कहना चाहूंगा मैं काइंड ऑफ थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ यार। जिस तरह की इनकी बोलिंग है उस हिसाब से जिस तरह इन लोगों ने कमबैक किया है ना, रोहित शर्मा की तारीफ करनी तो बनती है। लेकिन कल के मैच में मैंने दो चीज इंजॉय की, दोनों टीम्स की मतलब यार फील्डिंग बहुत ही कमाल की थी, कुछ कैचेस तो मतलब यार बहुत ही कमाल के पकड़े। दूसरा अर्जुन तेंदुलकर का विकेट यार, मतलब फाइनली बंदे ने विकेट ले ही लिया है। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं जहां पर मैं इस मैच में हुए बेस्ट और वर्स्ट के बारे में बात करूंगा। आज मैंने बेस्ट नंबर वन में रखा है कैमरून गिन को। भाई ने बोलिंग में भी एक विकेट लिया और बैटिंग में भी इसने 64 रन बनाए, तो डेफिनेटली इस बंदी की तारीफ करनी तो बनती है। लेकिन सच बता रहा हूँ, इस बंदी को ना मैं नंबर तीन की पोजीशन में नहीं देखना चाहता, क्योंकि यार पिच में बहुत ज्यादा स्पिन थी, ये मतलब यार स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाता है। तो वहां पर को अच्छा नहीं होता, जो बंदा स्पिन को अच्छा खेलता है उसे भेज दिया जाए, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गया या फिर तिलक वर्मा हो गया। चलो सूर्या की फॉर्म उतनी खास नहीं थी, लेकिन तिलक वर्मा का तो होम ग्राउंड है, प्लस वो स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, तो मैं मतलब यार पर्सनली नंबर तीन में तिलक वर्मा को देखना चाहता था। लेकिन एट लास्ट कैमरून गिन का जो ये मूव था उसने बैकफायर नहीं किया, ग्रीन ने लास्ट में बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन किया, जिसके लिए मतलब यार उसकी तारीफ करनी बनती है। लेकिन अगर मतलब वो बंदा आउट हो जाता ना तो भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा होता, तो रोहित शर्मा को इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा तिलक वर्मा की, भाई ये बंदा मतलब यार बहुत ही कमाल का है, सही में ये बंदा बहुत ही जल्दी डेब्यू करने वाला है, सुरेश रैना टाइप का मुझे ये प्लेयर लगता है। जिस तरह इसने आगे शॉट्स खेले ना, मैं कहूंगा वो मुंबई इंडियंस का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले कैमरून गिन कुछ ज्यादा खास खेल नहीं रहा था। जब तिलक वर्मा आया उसने शॉट्स खेलने स्टार्ट किए, शायद उससे मतलब यार कैमरून गिन के अंदर भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया और उसने भी मतलब यार थोड़े बहुत शॉट्स खेलने स्टार्ट किए। मैं कहूंगा तिलक वर्मा की जो इनिंग्स थी ना वो गेम चेंजिंग इनिंग्स थी मुंबई इंडियंस के लिहाज से। तो जो भी हो, कैमरून गिन ने लास्ट में तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, बोलिंग भी मतलब यार यॉर्कर्स बहुत ही अच्छी डाला था, तो डेफिनेटली ये बंदा बेस्ट वाले सेक्शन में होना डिजर्व करता है आज। आज मैंने वर्स्ट नंबर वन में रखा है सनराइजर्स हैदराबाद की बोलिंग को। मतलब सही बता रहा हूँ, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भुवनेश्वर कुमार ऐसा बोला था जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये बंदा तो कितनी कमाल की बोलिंग करा रहा है। कल भी इसने डेथ में कितनी कमाल की बोलिंग कराई, और टी नटराजन जिसे मैं सोच रहा था बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस देगा, ये बंदा लगातार दो मैच में 50 रन खा के आ रहा है, तो यार ऐसे तो नहीं चलने वाला है। मतलब यार डेथ में तो बहुत ही गंदी बोलिंग कराई, 18वें ओवर में इसने 20 रन खाए, 20वें ओवर में इसने 14 रन खाए, यार सही में टी नटराजन जस्टिस तो नहीं कर रहे हैं अपनी बोलिंग के साथ। प्लस मैं कहना चाहूंगा कार्तिक त्यागी को प्लेइंग 11 में क्यों नहीं ले रहे हो भाई, उस बंदे को तो इन लोगों ने सब्स्टिट्यूट लिस्ट में ही नहीं ले रखा है। ऐसा मैनेजमेंट है यार इन लोगों का, जो मतलब यार अच्छा करके दे सकता है उस बंदे को खिलाओ तो सही, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही वो टीम में आ सकता है, उसके बाद तुम मतलब यार उसे सब्स्टिट्यूट करके वॉशिंगटन सुंदर को अंदर ले आते, तो यार ये मुझे मतलब यार बहुत ही ज्यादा गंदा लगा। कल मतलब यार पिच जो थी वो थोड़ी सी स्लो साइड में थी, तो इनके स्पिनर्स ने कोई भी मतलब यार विकेट नहीं लिए, और स्पिन के तो इनके पास कितने अच्छे ऑप्शन है, आदिल रशीद बाहर बैठा हुआ है, अकील हुसैन बाहर बैठा हुआ है। ये लोग अकील हुसैन को पता नहीं बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, इन लोगों ने पता नहीं उसकी बोलिंग नहीं देखी है शायद यार, तो उस बंदे को भी यार प्लेइंग 11 में होना चाहिए। लेकिन क्या करें, इनका मैनेजमेंट ना सही में मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन होप करता हूँ अगले मैच में ये लोग मतलब अपनी बोलिंग में थोड़ा सा सुधार करेंगे। मैंने बेस्ट नंबर टू में रखा है मुंबई इंडियंस की बोलिंग को। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि मुंबई इंडियंस ना अपनी बोलिंग की वजह से जीत रही है, क्योंकि इनकी जो बोलिंग है ना मुझे बहुत ही ज्यादा वीक लग रही थी ऑन पेपर। लेकिन भाई इनका पीयूष चावला भी डिलीवर करके दे रहा है, बेंड्रोफ ने बहुत ही कमाल की बोलिंग कराई, कैमरून गिन ने कितने कमाल के यॉर्कर्स डाले, अर्जुन तेंदुलकर जिसके पास मुझे लगता है कि बहुत ही कम स्पीड है, डेफिनेटली उस बंदे को स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसके पास दूसरी स्किल्स हैं, वो बंदा बहुत ही अच्छी नाइन लेंथ से बोलिंग करा रहा है, यॉर्कर्स बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा मुंबई इंडियंस की जो बोलिंग है ना डेफिनेटली यार अपलॉड तो डिजर्व करती है। लेकिन यहां पर को मैं रोहित शर्मा की भी तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह उसने अपने बोलर्स को रोटेट किया, मतलब यार रोहित शर्मा को भी पता है कि उनके बोलर्स उतने ज्यादा क्वालिटी वाले नहीं है, तो उसने क्या किया कल बताया, मतलब यार जो अपने बेहतरीन बोलर्स थे उससे पहले बोलिंग करवा दी, उन बोलर्स ने विकेट लेके भी दे दिया, और जो वीक बोलर्स थे काइंड ऑफ उन्हें लास्ट के लिए बचा के रखा। अर्जुन तेंदुलकर को 20वें ओवर में 20 रन डिफेंड करने थे, और उसने जो यॉर्कर्स डाली ना बहुत ही कमाल की, तो मैं मतलब यार रोहित शर्मा की कैप्टनसी की कल दाद देना चाहूंगा, उसने मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कमाल की कैप्टनसी की। बोलिंग इतनी अच्छी मुंबई इंडियंस की इसलिए हुई क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें यूज किया, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग नीचे बताओ रोहित शर्मा की कैप्टनसी आपको कल कैसी लगी। अब आज मैंने वर्स्ट वाले सेक्शन में रखा है सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन को। मतलब यार क्या हो गया इन लोगों को, गेम जीतना है नहीं जीतना है भाई, तुम्हें गेम डीप ले जाना पड़ेगा, जो आ रहा है मारने के माइंडसेट से आ रहा है उसके बाद आउट हो जा रहा है। मयंक अग्रवाल से सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, भाई इस बंदे ने इतनी ज्यादा बॉल्स ली, सिर्फ 48 रन बनाए, भाई अगर तुम इतनी देर तक क्रीज में टिकी गए हो तो गेम को लास्ट तक फिनिश करके तो आओ, नहीं भाई आउट हो गया है। तो यार सही बताऊं मयंक अग्रवाल बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा एडन मैक्रम की, इस बंदे को शॉट खेलने की क्या जरूरत थी भाई, डिफेंसिवली बैटिंग करता, लास्ट तक बैटिंग करता, शॉट मार के आउट हो जा रहा है। क्लासन जिसने बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली, मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार सनराइजर्स हैदराबाद को एक अपर एंड दे दिया था, वो बंदा भी एक फालतू का शॉट खेल के आउट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि उस बंदे को डीप बैटिंग करनी चाहिए थी, वो बंदा भी मारने के चक्कर में आउट हो गया। बाकी के तो मतलब यार परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं। अब्दुल समद जिसे मतलब यार फिनिशर कह के इतना ज्यादा हाइप किया हुआ है, वो बंदा फिनिश नहीं कर पा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर को देख लो भाई, इस बंदे ने मतलब यार कोशिश ही नहीं की डाइव लगाने की, डाइव तो
लगा भाई पार्क में टहलने थोड़ी आ रखा है। मतलब सही बता रहा हूँ, इन लोगों को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग मतलब यार मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ पता है मैं इनकी बैटिंग से। मतलब यार मुझे ऐसा लगा इनके बैटर्स को डीप बैटिंग करनी चाहिए थी, लास्ट तक बचे रहते तो क्या पता जीत भी जाते। आ रहे हैं, मार रहे हैं और निकल ले रहे हैं, तो ऐसा वाला सीन था जो मुझे मतलब यार बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आप लोग बताना आप लोग कितना रेट करोगे इनकी बैटिंग को। आज मैंने बेस्ट और वर्स्ट वाले सेक्शन में रखा है रोहित शर्मा द बैट्समैन को। देखो कैप्टनसी तो कल रोहित शर्मा ने बहुत ही ज्यादा कमाल की, लेकिन एज अ बैट्समैन मैं उनसे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि देखो कल उन्हें स्टार्ट भी मिल गया था, पावर प्ले का उन्होंने फुल यूज करके भी दिया, जो कि मुझे काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन एक अच्छे स्टार्ट के बाद उन्होंने अपना विकेट ऐसे ही गवा दिया, जो कि यार काइंड ऑफ थोड़ा गंदा लगा मुझे। मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा को डीप बैटिंग करनी चाहिए, अगर वो टिक गए ना बहुत बड़ा स्कोर बना सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो इनका ओपनिंग जोड़ीदार है ना वो है ईशान किशन, जो मतलब यार स्टार्ट तो करता है 240 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन जब ये आउट होता है ना इसका स्ट्राइक रेट आपको 120 के आसपास मिलेगा। मतलब यार इसका क्या काम है पता है, पावर प्ले में आता है, लप्पेबाजी करता है, अगर बॉल कनेक्ट होगी तो मतलब यार थोड़े रन बना देता है, अगर कनेक्ट नहीं कर पाया तो बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खाता है, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इसका जो स्ट्राइक रेट है वो नीचे चले जाता है। सही बता रहा हूँ, ईशान किशन से मुझे कुछ ज्यादा होप नहीं है, लेकिन जिससे होप है वो है रोहित शर्मा। होप करता हूँ अगले मैच में मतलब यार अपने विकेट को ये थ्रो ना करें, क्योंकि यार ये जो प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ एक मैच की नहीं है, रिसेंट टाइम में रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा बार किया है, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी चीज तो नहीं है। तो अगर मुंबई इंडियंस को मतलब यार अच्छी स्टार्ट चाहिए, रोहित शर्मा का चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए।